राम मंदिर का शिलान्यास आज पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा है। ये सौभाग्य देशवासियों को 500 साल बाद मिला है। ऐसे में इस दिन दीपक जलाने के साथ मंदिर बनाने हेतु बलिदान देने वालों को भी याद किया जाए। ये बात समाज सेवी अतुल भारद्वाज ने प्रेस वार्ता में कही। अतुल ने कहा कि राम मंदिर शिलान्यास को लेकर विभिन्न संगठनों द्वारा अपने स्तर पर आह्वान किए जा रहे हैं कि इस अवसर को दीपावली की तरह मनाया जाए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर शिलान्यास के अवसर को मात्र औपचारिकता न समझा जाए तथा सभी श्रद्धा भाव से इस दिन को मनाएं। यही नहीं, अतुल भारद्वाज ने राम मंदिर शिलान्यास के अवसर पर श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में ढालने का संकल्प लेने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर को लेकर कई कार सेवकों ने बलिदान दिए हैं, बच्चों को भी इस बारे में प्रेरित करें। अतुल भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवताओं की भूमि है, ऐसे में राम मंदिर शिलान्यास के अवसर पर प्रदेश के देव स्थलों पर भी पूजा अर्चना की जाए। हालांकि कोविड-19 के चलते मंदिरों के कपाट बंद हैं, लेकिन जो पुजारी मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं उनके माध्यम से इस दिन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना करवाई जाए और इस दौरान कोविड-19 को लेकर जो नियम बनाए गए हैं उनकी अनुपालना भी सुनिश्चित की जाए। देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो पावन जो दिन आ रहा है कल, उस दिन को पूरा हिंदू समाज जो है वो मनाए। अपने घरों पे आग्रह किया गया कि अपने घरों पे दीप प्रज्वलित किया जाए। हमारा विशेष आग्रह रहेगा कि उस दिन सिर्फ हम दीप प्रज्वलित करने तक ही सीमित ना रहें, बल्कि अपितु उस दीपक को जलाते समय हम अपने अंदर वो भाव भी पैदा कर सकें जिससे एक राम राज्य की कल्पना की जाती है। श्री राम, प्रभु श्री राम जी ने जो समाज कल्याण के लिए जो काम किए हैं, उन कामों को भी हम ध्यान में रखते हुए अपने जीवन का समय जो समाज के लिए दे सकते हैं, हमको उसके प्रति भी सोचना चाहिए और उसके प्रति भी हम लोग कुछ ना कुछ करें, ऐसा भाव हमारे मन में दीप जलाते समय वो भाव पैदा होना चाहिए। दूसरा, जब हम उस दिन हम दीप प्रज्वलित जब हम करेंगे तो हमारा आग्रह रहेगा सभी से कि दीप प्रज्वलन करते समय हम उन लोगों के प्रति भी कृतज्ञता प्रकट करें जो इस संघर्ष के दौरान जो शहीद हुए हैं, जो अमर बलिदानी हैं, उनके प्रति भी हमें कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए, क्योंकि उनके कारण आज हम ये जो कल का जो अवसर है जो हमें प्राप्त हुआ है, इतने 400-500 सालों के बाद जो प्राप्त हुआ है ये अवसर, उस अवसर का जो हम आनंद ले रहे हैं तो वो उन्हीं लोगों के बलिदान के कारण ले रहे हैं। तो उनको याद करते हुए और समाज के प्रति समर्पण भाव से राम राज्य की कल्पना करते हुए हम उस दीप को जलाएं। और हमारा विशेष करके आग्रह रहेगा कि हिमाचल प्रदेश जो है वो देव भूमि है, देवताओं की वास यहाँ करते हैं, तो हमारे आसपास जो प्रमुख देव स्थल हैं, हम चाहेंगे कि जो वहाँ पे पुजारी हैं, जो पूजा कर रहे हैं अभी वर्तमान में, वो वहाँ पर कुछ विशेष आयोजन ऐसा करें कि जिससे समाज के बीच में एक जो है संदेश जा सके कि आज जो है वो विशेष दिन है और हमको इसको अपने परिवार के साथ अपने समाज के अंदर इसको हम मनाएं। हमारा आग्रह रहेगा कि कुछ जो स्थानीय लोग हैं वो कुछ टोलियों में अपने चौराहों में भी जो है वो प्रकाश करें, ताकि एक जो रोशनी है जो वो सब जगह जो है वो पहुंच सके और विचार जो राम राज्य की कल्पना का जो विचार है वो सारे समाज में एक रूपता लाए। तो यही हमारा जो है वो आग्रह रहने वाला है।